इनके लिए नौहे चाहिए, इनके लिए सलाम चाहिए, इनके लिए मरसिए चाहिए, और जो हक है इस शहजादी के लिए वो हक अदा हो, वो हक अदा हो। जाहिर है कि बड़ी हद तक अपने फरीजे को अंजाम दिया। फिर मिर्जा दबीर, इससे पहले एक बात अब कर दूं कि मीर अनीस ने इस बात का भी इल्तजाम रखा था कि जब वो कोई सलाम कहते तो हर सलाम में एक न एक शेर शहजादी के मुतालिक जरूर होता। सकीना नाथ परवर कैद की जहमत को क्या जाने, मशहूर सलाम। यह खसूसियत है उनकी, और शोरा को वाकई स्टडी करना चाहिए अनीस की कि कितना वो वक्त सर्फ करते हैं, किस मौजू के, किस सब्जेक्ट में वो कितना वक्त देते हैं। इसके बाद मिर्जा दबीर के मुतालिक मैंने कहा कि इनके दो मरसिए बड़े अहम है शहजादी के लिए, पूरे मरसिए। एक तो वो जब गुल हुआ चराग़े हरम कैद शाम, और दूसरा मरसिया जब दादे बेकसी न सकीना उठा सकी। अच्छा, एक मरसिया जब दादे बेकसी न सकीना उठा सकी, ये कबल शहादत है जनाब सकीना का, और जब गुल हुआ चराग़े हरम कैद शाम में, ये बाद शहादत। मैं तारीख जिंदा से या तारीख आले मोहम्मद के इस बाप के मुतालिक किसी तबसरे के लिए तैयार नहीं कि आया ये तस्करा मुनासिब भी है या नहीं, मैं तैयार नहीं। इसलिए कि एक मरतबा जब यह तय हो चुका कि गुफ्तगू होगी वाकयात वादे करबला पर, तो यह तो तय है कि शाम के कैदखाने में कोई कमसिन बच्ची मर गई, यह तो तय है। अब उसको जिस नाम से चाहे आप पुकारें, यह तो तय है तारीख में कि फकत मा तद बिन तुन मिन मनाफिल हुसैन, हुसैन की बेटियों में से एक बेटी मर गई। अब वो आप तय करें कि उस बच्ची का नाम क्या हो। और मिर्जा दबीर ने जिस शान से शुरू किया, इसको भी सुनिए, ये मरसिया तो सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, बच्चों को, जवानों को, लड़कियों को, बहनों को, इसलिए कि इसमें अजीब अजीब मिसरे हैं। जब दादे बेकसी न सकीना उठा सकी, खाए तमाचे शिमर के जब तक के खा, सिन कम था दुख बहुत थे न बर्दाश्त ला सकी। जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी, रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जबर देख के मौत इख्तियार की। अंदाज से इस शहजादी के मुख्तलिफ कैफियात पे दबीर ने बहस की। जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती, दुखते जो कान शाह हुदा को पुकारती, जीने से तंग आके कजा को पुकारती, आता न जब कोई तो खुदा को, कहती थी ने चचा न इमामे उमम रहे, शिमरे लई की घुरकियां खाने को हम। इन बच्चे की सरगुजश्त, ये मौजू है दबीर का। हर्फे दुरुस्त जालिमों ने बारहा कहा, बेकस ने सुन लिया ना किसी को बुरा कहा। ने सुन लिया न किसी को बुरा कहा। मैं तवील मरसिए पढ़कर आपको जहमत नहीं दूंगा। मैंने इशारा किया, और मेरा मतलब आज ये नहीं था कि मैं मरसिए पढ़कर सुनाऊं, लेकिन मैंने ये चाहा है कि आप याद रखें, पढ़ें, जहां कहीं ये मरसिया मिल जाए मगर पूरा मतलब एक मतलब आप पढ़ के देखें, जबान को देखें,
उसके अदब को देखें और उस बात अंदाजा करें कि बुजुर्गों ने क्या क्या खजाने हमारे लिए छोड़े, मगर फिर भी उस मर्सिया में इंतखाब चाहिए। 100 बन से ज्यादा का मर्सिया है फकत शहजादी के हाल, फकत शहजादी। और फिर वो मंजिल के सर की जबीं पे अपनी जबीं धर के रह गई, कलमा पढ़ा बलाएं लिए और मर के रह गई।